विजय जी, आज हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि ये राहुल गांधी और विशेषकर कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो तो समझ में आता है, लेकिन उन्हीं के स्टेट से संबंध रखने वाले दो बड़े उद्योगपतियों जिन्होंने ना केवल देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है बल्कि दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है और एक डंका बजवाया है। ये राहुल गांधी, अडानी, अंबानी, मोदी, इन सब पर अटैक क्यों करते रहते हैं? आपकी कुछ समझ में आता है क्या? देखिए ओंकार जी, समस्या क्या हो गई है कि पिछले 10 साल में, मतलब 9 साल हम ये मान लेते हैं करीब, कोई अभी तक ऐसा मुद्दा अपोजिशन के हाथ में नहीं आया था कि वो प्रधानमंत्री को घेर सके। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है पॉलिटिक्स में कि चाहे वो बोफोर्स का कांड रहा हो या उसके बाद 2G रहा हो, कोलगेट रहा हो, जितने भी घोटाले हुए हैं उसमें सरकार और कॉरपोरेट्स या प्राइवेट सेक्टर की मिलीभगत में जब करप्शन को प्रोजेक्ट किया गया तो उसका पॉलिटिकल डिविडेंड मिला था। उसी फॉर्मूले को यूज करने की एक बार फिर कोशिश है राहुल गांधी और टीम के द्वारा। और ये फॉर्मूला, क्योंकि उनको पता है कि अब अगर हम ये बोलेंगे कि सड़कें नहीं बन रही हैं तो वो दुनिया देख रही है, अगर हम ये बोलेंगे कि देश में रेलवे सुधार नहीं हो रहा है तो वो भी दिख रहा है, एयरलाइंस में सुधार नहीं हो रहा है तो वो भी दिख रहा है, टेलीकॉम में प्रॉब्लम है तो वो भी दिख रहा है, बैंकिंग सिस्टम में सुविधा नहीं है तो वो भी सबको दिख रहा है। तो जो जो चीजें दुनिया में सबको दिख रही हैं उसको मुद्दा मत बनाओ क्योंकि वो एविडेंस स्टेबल नहीं है। आप ऐसे एविडेंस निकाल के लाओ जो जनता क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सके और वो एक दाग लग जाए और हम उसके ऊपर आगे की राजनीति कर लें। ये कहीं ना कहीं एक एक्शन प्लान है ऑपोजिशन का। इसीलिए चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, क्योंकि सबको पता है कि डिफेंस डील्स पब्लिक नहीं होती हैं, फिर चाहे अब वो अडानी का मुद्दा हो उसको लेके मुद्दा बना है, तो कहीं ना कहीं वो पहले सूट बूट की सरकार थी, फिर हम दो हमारे दो, अब इस बार इंटरेस्टिंगली उन्होंने अंबानी साहब को नहीं घेरा है, अब दो को छोड़ के एक पे आ गए हैं। तो ये चीजें इंटरेस्टिंग है क्योंकि इतिहास ये बताता है कि अगर आप सरकार और प्राइवेट सेक्टर को किसी तरह से गठबंधन में शामिल कर लो और ये प्रूव कर दो कि देखिए सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए गड़बड़ करी है, तो जनता पे इसका पॉलिटिकल डिविडेंड मिलता है। और उसी की कोशिश, जैसा मैंने पहले कहा, और ये प्रयास उसी दिशा में। विजय जी, ये जानना चाहेंगे, ये तो हम और आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जान चुकी है कि दो गुजरातियों ने कांग्रेस का भुस भर दिया। ये गुजराती हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और अतीत में कांग्रेस की यूपीए सरकार के नेतृत्व में एजेंसियों ने इन दोनों को फंसाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, ये भी हमारे सामने है, आपके सामने है। कहीं ये एक बड़ी वजह तो नहीं है कि इनको लगता है 2014 में भी, 2019 में भी इन दोनों गुजरातियों पर कोई पार तो पा नहीं पाई है, कांग्रेस भी, राहुल भी, उनकी मम्मी भी, और एक दुष्प्रचार मौत के सौदागर से शुरू हुआ था 2007 से, जो तरह तरह की गालियां अभी भी बकी जा रही हैं एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर को, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को जो 1984 के बाद से पहली बार इतना बड़ा बहुमत लेकर के 2014 में इंडिपेंडेंटली, यानी भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत 1984 के बाद किसी पार्टी को मिला, फिर रिपीट किया 2019 में, और उससे भी ज़्यादा बहुमत, उससे भी बड़ा बहुमत। तो इनको लग रहा है कि गुजरात में ही नुकसान हो जाएगा पार्टी को, पर जो गुजराती हैं, जो प्राइड हैं इंडिया का, उन पर अटैक करो, इससे कुछ फायदा मिलेगा क्या इनको? इसके पीछे की मानसिकता क्या है? सर, मानसिकता ये है कि आपके पास और कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि
कोई भी अगर आप डिपार्टमेंट उठाएं, देखिए मुद्दे की बात आती है कि या तो आप गरीबी का मुद्दा उठाएं कि सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया, या आप इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा उठाएं कि सरकार ने देश को आगे नहीं बढ़ाया, या आप कोई ऐसा एक्सटर्नल थ्रेट बताएं कि जिससे देश खतरे में है, कोई ना कोई तो ऐसा मुद्दा हो जो जनता सुने। अनफॉर्चुनेटली इस समय कोई ऐसा मुद्दा अपोजिशन को नहीं मिल रहा है कि किसको लेके आगे बढ़ा जाए। तो जैसा मैंने कहा कि एक फॉर्मूला है राजनीति में कि आप करप्शन को उछालो, और करप्शन में भी कि भाई मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया या किसी और ने किया तो शायद वो टिकेगा नहीं, क्योंकि मोदी जी उस मंत्री को हटा देंगे। तो क्यों ना सीधा पीएम को ही टारगेट करो कि साहब पीएम ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और शायद इसका पॉलिटिकल डिविडेंड मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि जितने भी ये शोर मचाए जा रहे हैं राफेल से लेकर अभी तक, कांग्रेस के पास या अपोजिशन के पास कोई टेंजिबल एविडेंस नहीं है। अभी तक वो ये प्रूफ नहीं लेके आए या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके नहीं आए कि साहब अडानी साहब ने मोदी साहब को पैसे दिए। इनका ये कहना है कि साहब अडानी ने घपला किया, अडानी ने ये किया, अडानी ने वो किया। तो अडानी ने किया तो उससे पीएम का क्या लेना देना कि नहीं, वो आपके दोस्त हैं, उन्होंने घपला किया, मतलब आप शामिल हैं। सर अगर इसका मतलब ही आज तक जितने कांग्रेसियों ने गैर कानूनी काम किए, क्या उन सबकी जिम्मेवारी गांधी परिवार की? अगर ऐसा है तो चाहे वो बाकी स्टेट्स में, चाहे एमएलए एमपी हो, कोई क्राइम में शामिल रहा हो, कोई किसी और चीज में रहा हो, कहीं कोई टैक्स चोरी में रहा हो, किसी ने कहीं मिलावट करी हो, किसी ने कुछ और घपला किया हो, किसी ने कोई मर्डर किया हो, कहीं किसी ने रेप किया हो, तो क्या सारी जिम्मेवारी राहुल गांधी का परिवार लेने को तैयार है? सवाल ये है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये इनके क्लोज रिश्ते थे, तो सर किसके रिश्ते नहीं थे? कांग्रेस के पास आज तक जितना पैसा आया राजनीतिक चंदा, क्या कांग्रेस की अपनी फैक्ट्रियां थी जिसमें से चंदा कमाया उन्होंने? या तो बता दे कांग्रेस, या गांधी परिवार ये बता दे कि आपके पास जितने एसेट आए आज तक पिछले 70 साल में आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? आफ्टरऑल आप लोग पूरी दुनिया घूम रहे हो, लग्जरी आपने पिछले 50 साल एंजॉय करी है इस देश में, ये हिसाब दे दें कि साहब वो सोर्स ऑफ मनी क्या थी। ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी साहब कहीं कोई बहुत बड़े बिल्डर थे और वहां से किराया आ रहा हो, या कहीं कोई उन्होंने बहुत बड़ा इनोवेशन किया हो तो रॉयल्टी आ रही हो, या कहीं पे वो किसी बोर्ड पे हो कंपनियों के जहां से सिटिंग फी आ रही हो। कुछ तो सोर्स ऑफ इनकम पता लगना चाहिए ना। और जो एसेट्स आपने खरीदे, चाहे बिल्डिंग चाहे फ्लैट वगैरह वगैरह, वो किसके पैसे से खरीदे, वो भी जरा ट्रांसपेरेंसी में आ जाए बात। तो कहने का मतलब है कि अगर आप मनी ट्रेलिंग में जाएंगे तो बहुत सारे जिसे कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे निकलने शुरू हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि इस बात में कोई दम नहीं है कि आप ठीक है, आपको लगता है कि अडानी ने गलत किया है तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि भाई सेबी की रिपोर्ट चाहिए, आरबीआई की रिपोर्ट चाहिए कि ये क्या हुआ है। और जहां तक बात है अडानी को लेके, तो अडानी की एक नहीं है, 10 कंपनियां इस समय लिस्टेड है, उनके ऑडिटर्स को कहिए जवाब दे। फिर आप ये कह लेंगे जब उनके ऑडिटर पे भरोसा नहीं है, तो अगर आपको उनके ऑडिटर पे भरोसा नहीं है, आपको सेबी पे भरोसा नहीं है, आपको आरबीआई पे भरोसा नहीं है, आपको उनके इन्वेस्टर्स पे भरोसा नहीं है, और दूसरी बात इतने सारे हिंदुस्तान में ब्रोकिंग कंपनीज हैं जो इक्विटी रिसर्च करती हैं, उनको उनके रिसर्च में भी ये बात कभी नहीं आई कि भाई इस तरह के घपले हुए, अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे हमें लगता है कि कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुआ है या इलीगल ट्रांजेक्शन हुआ है, तो आप सरकार से कह सकते हैं ना कि इसकी एक स्पेशल ऑडिट करा के सरकार जनता के सामने रखे, या सेबी को आप मूल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, आप जिसको चाहो बुला के इंटरव्यू ले सकते हो। फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी तो कमेटी होगी ना, पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें आप आरबीआई गवर्नर को बुलाइए, आप चेयरमैन सेबी को बुलाइए, जो कंसर्न बैंक है जहां आपको लगता है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा पैसा अडानी को दे दिया, आप उनके चेयरमैन और एमडीज को बुलाइए, उनसे अपने सवाल जवाब करिए, आपको पूरा अधिकार है, किसी ने मना थोड़ी किया है। लेकिन
एलिगेशन लगाना बिना तथ्यों के आधार पे, और ये कहना कि साहब इसमें मोदी साहब इन्वॉल्व हैं और प्रूफ हम नहीं दिखाएंगे, मतलब ये तो वो केजरीवाल साहब का फॉर्मूला हुआ कि साहब हमने सारे कागज देख लिए, सब ईमानदार हैं, सब कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन वो कागज जो है वो कोर्ट को समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए कोर्ट ने उनके दो मंत्रियों को जेल भेज दिया है। अब केजरीवाल साहब की जो अदालत है उसमें वो सब बरी हैं, और जो देश की और कानून की अदालत है उसमें सब गुनहगार हैं। अगर ऐसे ही ये कंगारू कोर्ट चलाना चाहते हैं, खुद ही न्यायाधीश और खुद ही पिटिशनर और खुद ही वकील और खुद ही न्याय देंगे, और वो भी अपने फेवर में, तो फिर ये मजाक नहीं है तो क्या है सर? तो ये मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई सीरियस है। हाँ, अगर एलिगेशन है, एविडेंसेस हैं, जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए, देश जानना चाहेगा कि प्रूफ क्या है, और उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करें। तो यहां तक तो बात मुझे समझ में आती है कि कानून भी, अगर आपके पास एविडेंस है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एलिगेशन लगाते रहना और जनता के दिमाग में, सी शोर मचाने का सिर्फ पर्पज ये है कि जनता के दिमाग में ये चीज भर दी जाए कि देखिए साहब मोदी साहब ईमानदार नहीं है, मोदी साहब सिर्फ अपने दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं। और अगर इनको लगता है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स मोदी सरकार ने, चाहे वो एयरपोर्ट्स हैं, बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्ट्स के प्रोजेक्ट हैं, अगर लगता है कि वो इलीगल है, तो आप कोर्ट में जाके उसको डिस्क्वालीफाई करा सकते हैं ना। जैसे कोल आवंटन में क्या हुआ था सर, 2G में क्या हुआ था, कोर्ट ने ही तो रद्द की थी सारी माइंस, 2G का प्रॉब्लम कोर्ट ने ही तो सॉल्व किया था कि ठीक है ये सब स्पेक्ट्रम गलत ढंग से ऑक्शन हुए, इन सबको कैंसिल किया जाए। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट में जाके सब कैंसिल कराइए ना, तो ये आपके सामने स्थिति है, आप जाते क्यों नहीं है? और आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं जो आपको नहीं बचा पाए लोअर अदालत में, हो सकता है आपके केस को अडानी साहब के अगेंस्ट वो पुख्ता सबूत बना ले और आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बगैर एविडेंस के एक पॉलिटिकल विंडिक्टा चल रहा है, मुझे तो इंतजार रहेगा एविडेंस का, उसके बाद हम कह सकेंगे कि आगे क्या होना चाहिए।